नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। पटना हाई कोर्ट के फैसले के बाद बिहार में होने वाले नगर निकाय चुनाव पर रोक लग गई है, जिसके बाद बिहार में सियासत घमासान छिड़ गई है। जदयू और भाजपा आमने सामने हो गई है। सियासी बवाल मचने के बाद कभी जदयू की तरफ से बयानबाजी होती है तो कभी भाजपा की तरफ से बयानबाजी होती है। ऐसे में भाजपा और जदयू ये जताने में लगी है कि कौन सबसे ज़्यादा पिछड़ा और अति पिछड़ा का हितैषी है। दोनों तरफ से ट्विटर वॉर हो रहे हैं। कभी ट्विटर पर भाजपा के नेताओं का ट्वीट आता है तो कभी ट्विटर पे जदयू नेताओं का ट्वीट आने लगता है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद भाजपा अपने तरीके से और जदयू अपने तरीके से ये जताने में लगी है कि कौन सबसे ज़्यादा पिछड़ा और अति पिछड़ा का हितैषी बना हुआ है। इस फैसले के लिए दोनों दलों ने के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि उनकी वजह से चुनाव के सतह ये फजीहत हो रहा है। जदयू का कहना है कि ये सारा कुछ भाजपा के कारण हुआ है, और वहीं भाजपा का कहना है कि नीतीश कुमार ही जिम्मेदार है बिहार में होने वाले नगर निकाय चुनाव पर रोक लगने की। पूर्व केंद्र मंत्री और भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हाई कोर्ट द्वारा नगर निकाय के चुनाव के रोक के आदेश पर नीतीश कुमार की सरकार गैर कानूनी रूप से काम कर रही है। सरकार नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ों को आरक्षण देना चाहती थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार सिर्फ अति पिछड़ों के उत्थान की बात करती है। किस जाति को कितना आरक्षण निकाय चुनाव में देना है उसको लेकर आयोग का गठन करना जरूरी है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आयोग का काम होगा आरक्षण तय करने के लिए आंकड़ा इकट्ठा कर चुनाव करना। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर जानकारी दी गई थी। राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निकाय चुनाव में अति पिछड़ों को आरक्षण देने को लेकर दिए गए निर्देश की अवहेलना की गई। हाई कोर्ट द्वारा इस तरह की अनदेखी के खिलाफ राज्य सरकार के फैसले को रोक लगाई गई है। बीजेपी नेता ने कहा कि नीतीश कुमार से मेरा कुछ सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने नगर निकाय चुनाव को लेकर अति पिछड़ा समाज को आरक्षण देने को लेकर दिए गए निर्णय पर अनदेखी क्यों किया। नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा समाज के लिए फैसला इसलिए नहीं किया क्योंकि EBC और OBC के वोट बैंक ना खत्म हो जाए। सिर्फ वोट बैंक बचाने के लिए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस विषय पर 6 फैसलों की अनदेखी की गई। नीतीश कुमार से रविशंकर प्रसाद का दूसरा सवाल है कि राज्य चुनाव आयोग पर कौन गलत दबाव बना रहा है। नीतीश कुमार की सरकार गैर कानूनी रूप से काम करती है, इस तरह के 6 सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। उधर रविशंकर प्रसाद के बयान के बाद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि निकाय चुनाव में हाई कोर्ट के फैसले के बाद कुछ लोग इसको भ्रामक बना रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2006 में कानून बनाकर आरक्षण देने की व्यवस्था की थी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने उसे सही बताया था, उसी एक्ट के जरिए चुनाव हो रहा था। बीजेपी आरक्षण विरोधी है। बीजेपी के नेताओं पर तंज कसते हुए ललन सिंह ने कहा कि बुद्धि बाजार में नहीं मिलता कि उनको दे दिया जाए, उनको ज्ञान की कमी है। आरक्षण को समाप्त करना उनका मकसद है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के लिए जो बात की थी उसे बिहार से जोड़ा गया। आयोग बनाने की बात आरक्षण विरोधी है। हम शुरू से मांग कर रहे हैं कि देश में जातीय जनगणना हो, केंद्र सरकार ने उसे अस्वीकार किया। बिहार सरकार अपने दम पर जातीय जनगणना कर रही है। वहीं जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार में निकाय चुनाव अति पिछड़ों के आरक्षण बिना नहीं होगा। बीजेपी जनता को उलझाने की कोशिश कर रही है। मुख्य मकसद केंद्र से आरक्षण खत्म करना है। ओबीसी का 27% आरक्षण भी समाप्त करना चाहते हैं। जब तक फिर आरक्षण नहीं होगा, चुनाव नहीं होगा। जो स्थिति बिहार में बनी उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार का स्टैंड साफ है, अति पिछड़ा वर्ग के लिए लड़ेंगे। लोग भी इस बात से आश्वस्त हैं, नीतीश कुमार के रहते हुए उनका हक कोई नहीं छीन सकता। हर जिला मुख्यालय में जदयू बीजेपी के खिलाफ खेलेगी।
आरक्षण विरोधी पोल खोल कार्यक्रम एक हफ्ता में हम शुरू करने वाले हैं। तो देखिए, पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद जो नगर निकाय चुनाव पर रोक लग गई है, इसके बाद भाजपा और जदयू आमने सामने आ गई है। रविशंकर प्रसाद का बयान सामने आया भाजपा की तरफ से, तो वही दूसरे तरफ जदयू की तरफ से ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा का बयान सामने आया। भाजपा का कहना है कि नीतीश सरकार अति पिछड़ा और पिछड़ा की विरोधी है, तो वही दूसरे तरफ जदयू का कहना है कि भाजपा अति पिछड़ों और पिछड़ों समाज के विरोध में है, भाजपा आरक्षण को खत्म करना चाहती है। तो इस खबर में बस इतना ही, और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।